No. Maya. We are going to doctor. Hi guys, good morning and welcome back to my vlog. मैं बहुत दिन बाद व्लॉग ले रही हूँ, इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. एनीवे गाइस, आज ट्यूसडे मॉर्निंग है. होपफुली आपका मॉर्निंग बहुत अच्छा जा रहा है. अभी मैं और संदीप निकल रहे हैं आश्रित को डॉक्टर दिखाने के लिए. निमी स्कूल गई है, शी हैज़ रिकवर्ड मोस्टली फ्रॉम द फीवर, बट थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है उसको, तो वो स्कूल गई है. अभी इस ये जो छोटा सा बच्चा है ना, इसको अभी भी फीवर है और सर्दी जुकाम है, तो इसको आज डॉक्टर दिखा के आएंगे. हाँ, जिनको पता नहीं है मैं फिर से वो बता देती हूँ गाइस. मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था बट मैंने ब्लॉग में आपको अपडेट नहीं किया था. तो लास्ट वीक से हमारे घर में लिटरली एक के बाद एक सब बीमार पड़ रहे हैं. पहले संदीप गिरा, उसके बाद निम्मी और अब है आश्रित. संदीप महाशय हैं जो अभी थोड़ा बहुत ठीक है, पर वीकनेस है, इनको डेंगू हुआ था और हम पूरा ऐसे घबराए हुए थे नेक्स्ट दिन का खून का रिपोर्ट आने तक. बट एनीवे ही इज रिकवरिंग नाउ, पर अभी भी बहुत सारा वीकनेस है और डेंगू से रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो आज फिलहाल तो जा रहे हैं आश्रित को डॉक्टर दिखा के आएंगे. कल क्या हुआ आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ. कल हमारे सोसाइटी में ना एक होम्योपैथी के डॉक्टर बैठते हैं, तो हम आश्रित को उनके पास दिखाने के लिए गए थे. सोचा कितना और एलोपैथी का मेडिसिन खाएगा, चलो होम्योपैथी दिखा देते हैं. आप बिलीव नहीं करोगे यार, वो डॉक्टर ने देखा सब चेक किया, बोलता है शायद चेस्ट में इन्फेक्शन है, होम्योपैथी में नहीं दूंगा, आप एलोपैथी का दवाई लिखा लो और ले जाओ प्रेस्क्रिप्शन, ये पास वाले मेडिसिन दुकान से ले लो. तो इसलिए आज सुबह फिर से डॉक्टर दिखाने जा रहे हैं. हमारे सोसाइटी के बाहर ही एक क्लिनिक है, एक और पीडियाट्रिशियन बैठता है जहाँ पे निम्मी को दिखाया था, वहाँ पे जा रहे हैं. आश्रित को दिखा के आएंगे और वो डॉक्टर क्या बोलता है देखते हैं. तो चलिए गाइस, वैसे भी टाइम हो गया है, चलो आश्रित लेट्स गो. तो गाइस डॉक्टर दिखाना हो चुका है, आपको घर चल के बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला. फिलहाल यहाँ पे क्लिनिक के नीचे ना एक सुपर मार्केट है, तो थोड़ा सामान खरीदूंगी और आज तो भी लैप सम चॉकलेट, मैं भी एक चॉकलेट खरीदूँ से ना. आ गया लिफ्ट आ गया, लिफ्ट आ गया, बहुत छोटी सी लिफ्ट है. से आके काफ़ी टाइम हो चुका है, आश्रित आके सो गया था, तो आश्रित सो रहा था, मैं और संदीप ऐसे ही बैठ के थोड़ा बातें कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, बिकॉज संदीप अभी तक कोई तरह ठीक नहीं हुआ और मुझे भी ऐसा लग रहा है आई एम गेटिंग डाउन विथ कफ एंड कोल्ड, बहुत सारा बॉडी एक है, तो इसलिए कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे बैठे थे. अभी लंच निकालूंगी, लंच में आज बनाया फिश करी और यहाँ पे थोड़ी मिक्स सब गाजर आलू बीन्स देके एक भाजी है और ये रहा चावल. और ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, अभी ऑमलेट बनाऊंगी. तो चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्याज और टमाटर चॉप करते हैं और ऑमलेट बनाते हैं. बहुत देर बाद अभी फ़ोन उठाई हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30. निम्मी अपने म्यूज़िक क्लास गई थी, म्यूज़िक क्लास करके आई है,
और खाना वाना खाने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं लिया क्योंकि आश्रित को सुलाने के लिए गई थी। मेरी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैं भी आश्रित के साथ थोड़ा सो गई थी और उसके बाद ऐसे ही किसी तरह हिल डुल के काम चल रहा है क्योंकि इतना दिन से सब ऐसे बिल्डअप हो गया बॉडी पे, कमर दर्द, सर दर्द, सब दर्द हो रहा है अब मेरा। तो वही इसलिए टेकिंग इट लिटल बिट स्लो। आश्रित को डॉक्टर दिखाने गए थे, डॉक्टर ने कहा शी विल वॉच आउट फॉर वन मोर डे, तो कल तक भी अगर बुखार कंटिन्यूसली आता रहता है और मुझे 4 बार उसको बुखार कम करने की दवाई देनी पड़ती है तो शी विल डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके बाद दिन मतलब कल होता है वेनेसडे, तो थर्सडे शी विल डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो बस एक के बाद एक चल ही रहे हैं यार। पहले संदीप गिरा बीमार और बुखार उसका उतर नहीं रहा था, कंटिन्यूसली तेज बुखार आ रहा था संदीप को, फिर डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, लास्ट तक डायग्नोस हुआ डेंगू और उसका प्लेटलेट इतना कम हो गया था यार, हमको शायद 2 दिन उसका प्लेटलेट की चिंता में नींद नहीं आई। और आपको पता है ना प्लेटलेट तुरंत बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है पपीता के पत्ते का, द एक्सट्रैक्ट खा लो। अरे कौन आया, रुको यार। हाय अजित, क्या हुआ बेटा गोदी? हाँ तो गाइस, तो आश्रित आ गया था, अभी उसको संदीप के साथ बैठा के लेके आई हूँ। तो मुद्दे की बात ये है, संदीप अभी रिकवर कर रहा है, प्लेटलेट काउंट भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कल फिर से एक बार टेस्ट करेंगे होपफुली जितना तो कल फिर से टेस्ट करेंगे प्लेटलेट का, तो होपफुली कल और थोड़ा बढ़ गया हूँ। और निमी अच्छी है, बुखार नहीं है, थोड़ा हल्का सा सर्दी जुकाम है, बाकी सही है। और आश्रित को तो मैंने ऐसे बताया आज भी बुखार है, डॉक्टर ने बोला और 2 दिन देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। और एक मजे की बात बताती हूँ आपको, हमारे सोसाइटी में ही ना एक होम्योपैथी के डॉक्टर बैठते हैं, तो हमने सोचा चलो इतना एलोपैथी खिला खिला के होम्योपैथी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। यार होम्योपैथी डॉक्टर ने बोला होम्योपैथी में काम नहीं करेगा, आप एलोपैथी दवाई लेके जाओ। तो उसने चेस्ट के लिए एंटीबायोटिक और सब वगैरह वगैरह फलाना फलाना दवाई दे दिया, जबकि ही इज़ नॉट श्योर वेदर चेस्ट में इन्फेक्शन है या नहीं, फिर भी उसने एंटीबायोटिक चालू कर दिया। तो वी गॉट वेरी स्केयर्ड कल वो डॉक्टर दिखाने के बाद, तो आज फिर सुबह सुबह और एक पीडियाट्रिशियन दिखाने के लिए भागे हम। तो यही चल रहा है। और एक गुड न्यूज़ बताती हूँ आपको, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था ना मेरी ये अंगूठी निकल नहीं रही है, फाइनली वो अंगूठी निकल गई है। शायद ये 2.5 वीक का स्ट्रेस में ना मैं थोड़ा दुबला हो गया हूँ। एनीवे कल सुबह पता नहीं ऐसे ख्याल है लेट्स ट्राई यार आज निकल जाएगा, मन से ऐसा है जी चलो आज ट्राई करते निकल जाएगा। लिटरली यार ओनली लिटरली हाफ अ मिनट ऑफ स्ट्रगल एंड द रिंग वाज आउट एंड आई एम सो थैंकफुल। और आपको वो रिंग दिखाती हूँ अभी, अगर मैं लिटरली घुसा हूँ वो सिर्फ मेरे इस फिंगर के ना इतना तक आता है, तो आप सोच सकते हो मैं कितना दुबला पतला था पहले और अभी आई एम लिटिल बिट हेल्दी। एनीवे गाइस होपफुली ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी फिर से एक नई ब्लॉग में, अंटिल द नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी हेल्दी, बाय बाय।